नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बीजापुर के 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी सहित 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बताते हैं नक्सली शहीदी सप्ताह के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। हत्या, लूट, मारपीट सहित कई वारदातों में ये सभी शामिल थे। इस साल 142 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। और इसी बीच 1 लाख का इनामी भी सरेंडर कर चुका है। हत्या, लूट, मारपीट सहित कई वारदातों में ये 5 नक्सली शामिल थे। इन 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस साल की अगर बात करें तो 142 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। लोन वराटू अभियान के तहत भी इनकी वापसी हुई है। चलाया जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर फाइटर DRG एवं सहसा बल बीचापाल के जवानों के संयुक्त प्रयासों से भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 5 माओवादी सदस्यों ने नक्सलियों की भेदभावपूर्ण नीति और प्रताड़ना से तंग आकर, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुलिस के समक्ष समर्पण किया है, जिसमें एक DAK में सदस्य 1 लाख के इनामी भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार प्रयास जारी है, जवानों के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। इसी बीच बड़ी सफलता, 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1 लाख के नक्सली ने भी सरेंडर किया है। जी बिल्कुल, शहीदी सप्ताह के दौरान जो सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। आज बीजापुर जिले में 5 जो नक्सली हैं ये आत्मसमर्पण किए हैं। इसमें से एक जो नक्सली है उस पर 1 लाख का इनाम है। ये DK में इसका अध्यक्ष हुआ करता है और भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत आता है। इन 5 नक्सलियों ने आज शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। साथ ही इन पर हत्या, आगजनी, मारपीट जैसे गंभीर अपराध दर्ज है और ये सभी माओवादी को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। बता दूं, अभी अब तक जो 142 माओवादियों ने समर्पण किया है तो वहीं 310 माओवादी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि शहीदी सप्ताह के दौरान माओवादियों का एक बड़ा कैडर जो समर्पण कर रहा है, ये एक सुखद देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। सुकमा में नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया गया, जवानों ने ढाया है नक्सलियों का स्मारक। बता दें तिम्मापुरन गांव के पास नक्सलियों ने स्मारक बना रखा था। यहीं पर ब्लास्ट में 2 जवान शहीद भी हुए थे। CRPF कोबरा जिला बल के जवानों ने स्मारक ध्वस्त किया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तिम्मापुरम गांव के पास ये नक्सलियों के द्वारा स्मारक बनाया गया था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये अलग अलग जगह पर नक्सलियों के द्वारा लगातार जो स्मारक बनाए जा रहे हैं या बनाए गए थे उन्हें ध्वस्त लगातार जवान कर भी रहे हैं। इसी बीच बड़ी सफलता मान सकते हैं सुकमा में, जहाँ पर तिम्मापुरम गाँव के पास ये स्मारक जो बनाया गया था नक्सलियों के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया। ये भी बता दें कि इसी के पास जवान शहीद भी हुए थे। जवानों पर अटैक जो है नक्सलियों के द्वारा किया गया था, ब्लास्ट किया गया था और जवान शहीद हुए थे। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। SP ने लोगों को अलर्ट किया है। खूंटा घाट बांध पर लापरवाही की खबर दिखाई थी। जान जोखिम में डालकर कूदते नजर आए थे पर्यटक। बता दें लापरवाह लोगों पर एक्शन के निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, न्यूज 18 की खबर का असर यहाँ पर हुआ है। लगातार लापरवाहियों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार मॉनसून है, बारिश पड़ रही है, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है, पर लोग जोखिम लेने से बाज नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं अपनी जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अब जब ये तस्वीरें सामने आई तो SP ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। खूंटा घाट बांध की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर इधर से उधर लोग जाते हुए कूदते हुए नजर आए और इसी की तस्वीरें सामने आने के बाद अब एक्शन की तैयारी में प्रशासन है। बिलासपुर
बिलासपुर जिले में, जिससे कि नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय कुछ जो है स्थान पे पुल पुलिया भी भर गए हैं, जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। पुलिस ने उसमें कुछ जगह सुरक्षा के इंतजाम भी लगाए हैं, स्टॉपर वगैरह से आवाजाही पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं इसमें जो है उत्साह में आकर के या ज़्यादा पानी को देख करके वहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या वहाँ नहाने की कोशिश करते हैं, जो कि निश्चित रूप से उनके जान के लिए खतरा है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो लोगों पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। तो ये खूंटा घाट बांध की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से लोग, ये जो पर्यटक हैं, पहुँचे हैं और इधर से उधर जाते हुए कूदते हुए पानी में नजर आ रहे हैं। और इसी का संज्ञान लिया गया, हमने प्रमुखता से खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन जागा। अब जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन पर कैसी कार्रवाई होती है, पर आपको भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। बारिश के समय में हर जगह जलभराव की स्थिति है और जब आप पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी तरह की घटना घटित ना हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती थी, जान जा सकती थी, पर यहाँ पर लापरवाही से बाज ये युवक नहीं आए।